दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, तो आज की हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम आपको बताएंगे कि हम इंसानों से कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट यानी कि तेज दिमाग वाले कई सारे जानवर हैं इस दुनिया में। दोस्तों, आज जो आप देखने जा रहे हैं हमारी इस वीडियो में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसी चीजें आपने जानवरों को पहले करते हुए नहीं देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस नेक काम को भी आप कर लीजिए। स्क्विड्स। दोस्तों, समुद्र की गहराई में पाया जाने वाला ये जीव दुनिया के सबसे तेज जीवों में से एक माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग आपको बहुत ही शांत लगते हैं दिखने में, जो आपको बहुत भोले लगते हैं दिखने में, वो कई बार उतने भोले नहीं होते। स्क्विड्स के बारे में भी यही कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि इन्हें देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये शिकारी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होते हैं बहुत ही खतरनाक किस्म के शिकारी। दोस्तों, जब तक ये अपनी बाहें नहीं फैलाते तब तक तो लगता है कि इनमें जान भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये देखिए कि जब ये अपने कई सारे हाथों को एक साथ फैलाते हैं तो शिकार करना इनके लिए कितना आसान हो जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये अपने आर्म्स को फैलाकर कैसे छोटी छोटी मछलियों का शिकार करते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि आखिर इन्हें इतना चालाक माना क्यों जाता है। इसकी सीधी वजह यह है दोस्तों कि ये समुद्र के अंदर कई सालों से रह रहे हैं, कई मछलियों का शिकार किया इन्होंने, लेकिन आज तक कोई इनका शिकार नहीं कर पाया। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हर 2 मिनट पे ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इनविजिबल हो जाते हैं। अब बताइए ना कि जिस जीव के पास होगा इतना सारा दिमाग, कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। तभी तो दोस्तों इन्हें इतना शातिर कहा जाता है। बेयर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये भालू होते हैं कमाल के जानवर। क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक भालू था जो कि दोस्तों 1958 में ही हॉलीवुड के लिए काम करता था। जी हाँ दोस्तों, वो इतना इंटेलिजेंट था कि एक बार उसे सब बता दिया जाता था कि आपको किस तरह से एक्टिंग करनी है, और वो एक्टिंग करने लग जाता था। कमाल की बात है। कई बार उस भालू ने तो बिना रीटेक के ही अच्छे खासे सीन्स परफॉर्म किए थे। दोस्तों, कहा जाता है कि चूंकि भालू का ब्रेन बाकी जानवरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है, यही वजह है कि भालू दूसरे जीवों से कहीं ज्यादा तेज होते हैं। हालांकि दोस्तों, इंसानों के साथ इनका रिलेशन अच्छा भी है और बुरा भी है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भालू हद से ज्यादा रोमांटिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके अंदर रोमांस करना कूट कूट कर भरा होता है, और ऐसे में अगर कोई लड़की इनके हाथ लग गई तो ये उसे नहीं छोड़ते। साथ ही दोस्तों, रिसर्च में ये भी पता चला है कि भालू इतने शातिर होते हैं कि किसी और जीव का खाना कैसे खाना है उसकी इन्हें एक से बढ़कर एक ट्रिक्स आती हैं। दोस्तों, अपनी कम्युनिटी का ख्याल कैसे रखना है, कैसे सबके बारे में जानकारी रखनी है, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सारी क्वालिटीज दोस्तों एक बेयर के पास होती हैं। तभी तो दुनिया में इन्हें तेज जानवर के नाम से जाना जाता है। एंट्स। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चींटियां कितनी चालाक होती हैं। चींटियों को दुनिया के सबसे चालाक जीवों में से एक माना जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जितने छोटे आपको दिखते हैं उनके अंदर इतना ही बड़ा दिमाग भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि चींटियां देख नहीं सकती, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कैसे ये एक एक करके एक दूसरे के पीछे ऐसे चलती हैं कि किसी को भनक तक न लगे कि वो देख नहीं पा रही। दोस्तों, कहा जाता है कि ये इतने चालाक होते हैं कि अपना सारा काम बहुत ही आराम से कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये पेड़ों की पत्तियां तोड़कर अपने साथ ले जाती हैं ताकि जब ये पत्तियां सड़ जाएं तो उसके बाद जो उसमें फंगस हो उसको वो आराम से खा सकें। दोस्तों, ये तस्वीर आप पहले देख लीजिए, क्या लगता है आपको दोस्तों इसे देखकर, क्या कमाल की तस्वीर है। ये देखिए, 2 पत्तियों के बीच में कैसे एक बड़ी चींटी खड़ी है और बाकी चींटियां उसके ऊपर से क्रॉस कर रही हैं। दोस्तों, इस तस्वीर से हमें भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है। साथ ही दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि चींटियां अपने पीछे एक केमिकल छोड़ती हैं जिसकी वजह से ये एक साथ लाइन में चल पाती हैं। क्या कमाल की बात है ना दोस्तों, चींटियों से न सिर्फ इंसानों को डिसिप्लिन सीखना है बल्कि दोस्तों आप और हम चींटियों से गिरकर दोबारा कैसे उठ सकते हैं वो भी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि चींटियां कई बार दीवार से नीचे गिर जाती हैं लेकिन वो कभी भी हार नहीं मानती। सच में दोस्तों, ये है तो छोटी लेकिन बहुत तेज दिमाग की होती है, हिम्मती भी होती है, और तमाम लिमिटेशंस के बावजूद भी मस्त जिंदगी जीती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। अफ्रीकन ग्रे पैरट। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसे पक्षी की कहानी जो कि हमारे साथ बोल भी सकते हैं। दोस्तों, आप इनके इंटेलिजेंस की बात तो रहने ही दीजिए, ये इतने चालाक होते हैं कि ये किसी को भी इमोशनल कर सकते हैं। जी हाँ, बस आप इनके बारे में सुनते रहिए हमसे। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीकन ग्रे पैरट के पास 1000 वर्ड्स की कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब यह है कि इनको आप 1000 वर्ड्स सिखा सकते हैं और ये उन 1000 वर्ड्स को याद रखते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि अफ्रीकन ग्रे पैरट का दिमाग इंसान के 5 साल के बच्चे के दिमाग के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, ये आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये आपके साथ इशारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपको हाय और हेलो भी बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज इनके बारे में जो आपको कई बार परेशान कर सकती है वो ये है कि अफ्रीकन ग्रे पैरट इंसानी बच्चों की तरह बहुत क्यूरियस होते हैं और वो कभी चुप नहीं बैठते, हमेशा कुछ ना कुछ आपसे पूछते रहते हैं।
यह हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं और यहीं पर आपकी परेशानी शुरू होती है। इनके हर सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपनी बात बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। और जाते जाते दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।